Good morning students, how are you all? Good and fine. This is your MSC video, chapter number third, Face in the Mirror. In this lesson, there was a man named Robert Gale. He was a great African explorer. He loved traveling. But one day he was lost in the jungle of Africa. There he met a chief of a tribe. The chief of the tribe was always angry. Robert Gale tells the chief that the world is like a mirror. The way we treat others, others treat us in the same way. Hearing his words, the chief had stopped getting angry and now he is very happy. And after that, he frees the Robert Gale. Now, vocabulary of this lesson. First, explorer. What is the meaning for explorer? A person who travels to unknown places in order to find out more about them. किसी अनजाने स्थान पर जाता है उसके बारे में कुछ पता लगाने के लिए एक्सप्लोरर का मीनिंग होता है खोज करता ट्राइबल्स मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब यानी जो जंगल में जो कबीले होते हैं उनके सदस्य यानी uh, फिर कह सकते हैं जनजाति के सदस्य लोस्ट हीज़ टेम्पर फेल टू कंट्रोल हीज़ एंगर यानी अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देना क्लैफ्टेल्ड टाइटली इन हैंड हाथ से बिल्कुल जोर से पकड़ लेना नाउ लेट स्टार्ट द लेसन रॉबर्ट गेल वॉज ग्रेट अफ्रीकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट गेल जो है अफ्रीका का एक बहुत महान ही खोज करता था ही लव ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्रीज़ और उसको अलग अलग देशों की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था वन डे एक दिन ही वॉज़ ट्रैवलिंग थ्रू थीक जंगल्स ऑफ अफ्रीका एक दिन उसने अफ्रीका के घने जंगलों की यात्रा की थी मीन्स घने एंड लॉस्ट हिज वे और वह अपना रास्ता भूल जाता है वह गुम हो जाता है ही वॉज़ सराउंडेड बाई द ट्राइबल्स हु टूक हिम टू देयर चीफ और जंगल में वह खो जाता है और एक कबीले में वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर जंगली लोग रहते हैं और जो जंगली लोग होते हैं जो ट्राइबल्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं कबीले के जो मेंबर होते हैं वो उनके सरदार के पास उनके चीफ के पास उसको पकड़ ले जाते हैं The chief, on seeing a stranger, lost his temper, and asked his मैन to search his bag. जब ये उसको मुखिया के पास लेके जाते हैं तो मुखिया जो है एक अजनबी व्यक्ति को देखकर कि कोई अजनबी व्यक्ति उसके कबीले में आ गया है तो वो अपना आपा खो देता है यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड आस्ट हिज मैन टू सर्च हिज़ बैग और अपने लोगों से वो कहता है कि इसके बैग की तलाश करो वाइल्ड सर्चिंग द बैग द ट्राइबल्स फाउंड अ नाइफ एंड अ मिरर एंड गेव दैम टू एंग्री चीफ और जब उन्होंने लोगों ने तलाशी ली उसके बैग की तो उन्होंने क्या पाया उसके बैग के अंदर एक चाकू और एक शीशा यानी दर्पण और ये जो चीज़ें मिली थी ये चीज़ें उस क्रोधित मुखिया को दे दी द ट्राइबल चीफ ऑन सींगज एंग्री फेस इन द मिरर थोट इट टू बी हिज एनिमी जैसे ही ट्राइबल जो चीफ था यानी जो मुखिया था उसको शीशा दिया गया उसके बैग में से निकाल करके तो उसने जब शीशे में झांका तो उसको आ, क्या दिखाई दिया अपना खुद का फेस दिखाई दिया और वो खुद क्या था बहुत गु़स्से में था और जैसे उसने उस दर्पण में उस शीशे में अपने आप को देखा तो उसने सोचा कि यह तो कोई मेरा शत्रु है एनिमी है फ्यूरियस नाउ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है ही ब्रोक द मिरर और वो मिरर यानी शीशे को तोड़ देता है एन टू पीसीज टुकड़ों में विद हीज पियर स्पीयर मीन्स भाला थिंकिंग दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी एंड बिकेम हैप्पी और वह अपने भाले से उस शीशे के जो बैग में मिला था उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और यह सोचता है कि मैंने अपने शत्रु को क्या कर दिया है किल कर दिया है मार दिया है और वो, अब वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है द एक्सप्लोरर जो खोज करता होता है यानी रॉबर्ट गेल

टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा जो है वो उस मुखिया को देता है द द ट्राइबल चीफ ऑन हिज स्माइलिंग फेस इन मिरर थोट इट टू बी हिज फ्रेंड एंड क्लास्ड द पीस ऑफ मिरर टू हिज चेस्ट अब जब उसने शीशे को तोड़ दिया था गुस्से में आकर के और अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि मैंने अपने शत्रु को मार दिया है अब जब वो खुश है तो उसने जैसे ही शीशे को देखा उस शीशे के टुकड़े को देखा तो उसने फिर से अपनी परछाई शीशे में देखी और अब वो खुश था और उसने क्या देखा शीशे में कि वो मेरा कोई फ्रेंड है जो मुस्कुरा रहा है और उस शीशे के टुकड़े को उसने अपनी छाती से लगा लिया कसकर पकड़ के उस शीशे को अपनी छाती से उसको लगा लिया रॉबर्ट गेल देन एक्सप्लेन टू द चीफ इसके बाद रॉबर्ट गेल जो होता है चीफ को एक्सप्लेन करता है इसके बारे में दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर। कि जो ये संसार है ये एक दर्पण के समान है एक शीशे के समान है इफ़ यू डू गुड टू अदर्स अगर आप दूसरों का भला करते हो दे वुड डू यू गुड वे भी आपका भला करेंगे वे भी आपका अच्छा करेंगे इफ़ यू फ्रोन एट अदर्स यू विल गेट द सेम इन रिटर्न अगर आप दूसरों के साथ लड़ेंगे दूसरों को साथ आप अच्छे से बोलोगे नहीं बिल्कुल चिल्ला कर बोलोगे गुस्से में बोलोगे तो वो भी आपको बिल्कुल सेम रिटर्न करेंगे ठीक है वो भी आपको सेम गुस्सा करेंगे सेम बिहेव करेंगे द चीफ स्टूडप मुखिया जो है खड़ा हो जाता है एंड थैंक द एक्सप्लोरर और खोजकर्ता का वो धन्यवाद करता है फॉर टीचिंग हिम उसको सिखाने के लिए टू स्टे हैप्पी की खुश रहना है गुस्सा छोड़ देना और अभी खुश रहना है ऐसी शिक्षा देने के लिए वो उसका एक्सप्लोरर का क्या करता है थैंक्स करता है द एक्सप्लोरर वॉज सेट फ्री और अब इस खोजकर्ता को रॉबर्ट गेल को छोड़ दिया जाता है अब यह आजाद हो जाता है ही थैंक द चीफ एंड वेंट अवे वो मुखिया का धन्यवाद करता है और वहां से वो चला जाता है नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इफ यू लुक एट अदर्स विद एंगर एंड हेटर यू विल गेट द सेम ट्रीटमेंट इन रिटर्न बट इफ यू स्माइल एट द वर्ल्ड It smiles back and gives you a joy. Okay, students, I hope you have understood this lesson very well. Have a nice day. Bye.